फॉर्म्स होती हैं, तीन फॉर्म्स होती हैं सेट्स की, और उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखें। सबसे पहली फॉर्म है हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। हम अपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सॉल्व करेंगे सबसे पहले। हमारे पास क्वेश्चन है नेचुरल नंबर का एक सेट, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर आपको पता है कुदरती अदात होते हैं जो चलते ही जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, ठीक है। इसलिए हमने ये डाल दिया। अच्छा, ये हमारा जो सेट है वो किस चीज़ का सेट है? नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब हमें इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी कि है हमें इसे डिस्क्राइब करना है। इसके तो हम किस तरीके से लिखेंगे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन हमें इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था, मीन्स के इसे डिस्क्राइब करना था, ठीक है। अब हमारी आ जाती है टेबलर फॉर्म, ठीक है। अब हमारी जो आ जाती है टेबलर फॉर्म, टेबलर फॉर्म का हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये है एक सेट ऑफ फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें जो है क्या लिखना है? टेबलर फॉर्म में लिखना है सर, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसे टेबलर फॉर्म में, फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर? तो हमें आपको पता है नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, तो हमें शुरू के जो है सात नंबर लिखना है नेचुरल नंबर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी लिखते हैं टेबलर फॉर्म, और हम इसे अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की उलट भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, थर्ड है, अब बेटा हमारी थर्ड फॉर्म है बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये है एक हमारा नेचुरल नंबर का एक का सेट, ठीक है। वन टू थ्री फोर, ये कौन से नंबर हमारे नेचुरल नंबर, ठीक है। ये है, किस तरीके से बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है? बिल्डर फॉर्म में दो तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हम वेरिएबल ऐड करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी फॉर्म बिल्डर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। क्या है? एक हमारा ये सेट है नेचुरल नंबर का, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे हम? सबसे पहले हम वेरिएबल लिखेंगे अपना एक्स, सच डेट एक्स। ये किस चीज़ का सिंबल है? सच डेट का, ठीक है। सच डेट, ठीक है, एक्स। और ये किस चीज़ का सिंबल है? बिलोंग का। बिलोंग का क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि ये किस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम बताएंगे ये जो सेट है ये इस किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से, इसलिए हमने एन लगाया है। नेचुरल नंबर का जो सिंबल है वो एन है, ठीक है। उसके बाद ये देन का सिंबल कहलाता है, ठीक है। देन कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? हमारे जो नेचुरल नंबर हैं वन से स्टार्ट हो रहे हैं, और लेस देन टेन, ठीक है। कहाँ तक है हमारे नेचुरल नंबर? टेन तक, ठीक है। जब हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है ये नेचुरल नंबर को, ठीक है। देन कहाँ से कहाँ तक है? वन से स्टार्ट हो रहा है, ये लेस देन का सिंबल है, इसे इक्वल टू का भी सिंबल कहते हैं, और ये कहाँ तक एंड हो रहा है? टेन तक, ठीक है बेटा।